नमस्कार, मैं संजीव कुमार मशीन वाला के बिहाफ से। जी, आप लोग पिछली वीडियो देख के कमेंट कर रहे थे कि इससे बड़ी वाली मशीन का भी वीडियो बनाइए, फुल बैग वाली का भी बना के स्पेयर पार्ट्स का डिटेल दीजिए। उसकी पूरी बेहतरीन तैयारी के साथ ये आपके प्यार ने खींच लाया और मैं आपके लिए देखिए लाया हूँ इसमें क्या क्या स्पेयर पार्ट्स लगते हैं। सारे डिटेल में बताऊंगा आपको कि क्या क्या लगाते हैं, एकदम नजदीक से कैमरे को दिखा दिखा के। तो मैं वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ, प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जानकारी छूट ना जाए और इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। आपके पास कंक्रीट मिक्सर मशीन हो तो उसके स्पेयर पार्ट्स कभी भी खराब होते हो, तो इंडिया के किसी भी कोने में या दुनिया के किसी भी कोने में हो आप, तो हमसे ये डायरेक्ट ये मंगवा सकते हैं बाई पोस्ट और ये आप ले सकते हैं। तो मैं एक एक करके सामान के बारे में बताऊंगा कि इस मिक्सर मशीन में कहाँ कहाँ क्या क्या सामान लगा हुआ है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहियों से। ये इसका पहिया है जो कि मैं दिखा रहा हूँ, ये पहिया इसका ये लगा हुआ है, यही पहिया इसमें लगता है मशीन के अंदर में, जो कि अगर खराब होता है तो टायर वायर खराब होता है या रिम खराब होती है। और इसके अंदर लगता है एक्सल, जिसे हम कहते हैं ये एक्सल, आप लोग कहते हैं धुरा। ये सभी पार्ट्स के एक एक का नाम सही से याद करना, नोट कर लेना। इससे क्या आपको फायदा होगा कि आप लोग कभी भी किसी भी पार्ट्स का वो खराब होगा तो तुरंत आप बता पाओगे कि ये एक्सल, ये हब या ये पुली, तो प्रॉपर नाम बताओगे और आपको ये सामान लेने में आसानी रहेगी। तो ये एक्सल है जो यहाँ लगा हुआ है और ये इसका हब है, जो ये चार सुराग देख रहे हैं, ये कई तरह के सुराग आते हैं तो इसके अंदर ये टाइट हो जाता है सुरागों में इसके, और टाइट होके यही लगता है इसके अंदर। और फिर बारी आती है इसके बैरिंग की, जो इसमें बैरिंग लगता है, इसमें जो बैरिंग लगता है वो ये बैरिंग लगता है 6007 का बैरिंग लगता है इसके अंदर। एक हब में दो बैरिंग लगते हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं इसके स्टेयरिंग की। तो स्टेयरिंग में आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर ये गुच्छा लगा हुआ है, जो मैंने दिखाया आपको यही वो गुच्छा है, आप देख पा रहे होंगे ये गुच्छा लगा हुआ है सुराग करके। ये जनरली कभी इस पर झटका लग गया या चोट लग गई तो इसकी काटर टूट जाती है या ये टूट जाता है, तो इसको बदलना पड़ता है, जिसे स्टेयरिंग गुच्छा कहते हैं। इसको मैं वहीं रख देता हूँ जहाँ से उठाया। फिर आता है स्टेयरिंग चकोरा, इसे कहते हैं स्टेयरिंग ब्रेकेट। तो ये यहाँ लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे चार बोल्ट सुराग करके, इसके चारों कोने को सुराग करके लगते हैं, तो इसका बोर घिस जाता है 2-4 साल के बाद, तो ये भी बदलना पड़ता है। इसके बाद इसकी जरूरत पड़ती है, उसे कहते हैं हम स्टेयरिंग शाफ्ट। ये इसकी स्टेयरिंग शाफ्ट है जो इसके अंदर लगा के फिर हम इसे लगाते हैं, ये इसके अंदर लगा के, और जब वहाँ पे ये कसा जाता है, एक एक चीज बता देता हूँ। और ये देखिए आप, ये गरारी देख सकते होंगे, स्टेयरिंग गरारी जो यहाँ लगा के वेल्डिंग की जाती है, कई बार इसकी वेल्डिंग टूट जाती है, ये बहुत मजबूत वेल्डिंग की जाती है और वेल्डिंग ही इसमें चलती है, तो ये इस तरीके से लगा हुआ है। अब मैं बताता हूँ आपको स्टेयरिंग साफ, स्टेयरिंग ब्रेकिट हो गया। अब इसकी ये थाली गियर है, देख पा रहे होंगे थाली गियर, इसके दांते खराब हो जाते हैं। और एक आइडिया बता रहा हूँ आपको, जब भी इसके दांते खराब हो जाते हो तो नीचे के दांते खराब होते हैं, आप देख पा रहे होंगे इसके नीचे ये दांते 3-4 साल के बाद घिस जाते हैं, तो आपके पास क्या करना है, ये 3-4 बोल्ट खोल के और इसको नीचे का ऊपर घुमा देना, इससे इसकी लाइफ और उसकी दुगनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तक तो चलता ही नहीं है, जब भी माल पलटते हैं तो बस ये यहाँ तक में माल खाली हो जाता है, यहाँ तक पहुँचता नहीं है। तो ये बोल्ट खोल के आप इसे घुमा सकते हो। अब आगे की जानकारी देता हूँ कि ज़्यादा, अब इसका ये थाली गियर हो गया, अब इसकी ये पिनियन शाफ्ट है और वो इसकी पिनियन गरारी है, आप ये देख पा रहे होंगे इसकी ये पिनियन गरारी है जो यहाँ पे लगी हुई है, ये यहाँ लगी हुई है, ये पिनियन गरारी है जो यहाँ लगी हुई है, उसके साथ में ये शाफ्ट लगती है, इसे हम पिनियन शाफ्ट कहते हैं, जो इस तरीके से लगती है और ये गरारी यहाँ लगी हुई है। इसके अंदर बैरिंग लगते हैं 6208 के, ये 6208 के भी लगते हैं, 6307 के भी लगते हैं, एक यहाँ बैरिंग लेगा एक यहाँ लगेगा, इस तरीके से फिट है ये। और यहाँ गरारी आती है, उसके बाद यहाँ पुली आती है, ये पुली देख पा रहे होंगे आप, दो बेल्टों वाली पुली है। अब ये पुली की जानकारी दे दी मैंने आपको, अब इसकी हांडी आती है, हांडी की सबसे मेन काम है इसकी शाफ्ट, ये इसकी हांडी की शाफ्ट है और एक इसके ऊपर चेक नट होता है, नट कहते हैं, उसको लगाने से पहले ये हम बैरिंग डालते हैं। इसके अंदर दो बैरिंग लगते हैं इसकी हांडी में, यहाँ पे एक यहाँ लगता है और एक यहाँ लगता है। 32211 का नंबर है बैरिंग का, आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा,
पुराने मॉडल की जो मशीनें थी उसमें 30-30 नौ का लगता था, पर अभी जो है 32211 का लग रहा हो। एकदम ध्यान से देखना, वीडियो को अंत तक देखना, सारी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, जहाँ भी साइडें चल रही हो और खुदा ना खास्ता वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाती हो तो इस वीडियो के थ्रू आपको हेल्प मिलेगी और उससे रिपेयर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियो डाली हैं और उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप देख के उसे रिपेयर करते हैं कर सकते हैं और आपकी जो लेबर बीच में लॉस होने लगता है तो वो बच जाएगा। अब इसके बाद इसमें हम जब बैरिंग फिट कर देते हैं हांडी में तो ये ऑयल सील लगता है, ऑयल सील का नंबर होता है 6010 जो कि इसके अंदर लगता है। आप कभी भी सील वील खराब हो तो पर्सनली इस नंबर को याद रखना, और ये सील लगाने से क्या है हांडी की ग्रीस नहीं निकलती है नीचे की तरफ। अब ये इतनी जानकारी के बाद अब इसके हांडी के अंदर आता है गियर का, ये आप देख पा रहे होंगे बड़ा सा गियर है जो कभी टूट जाता है या घिस जाता है, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, ज़्यादा ये टूटने पर ही होता है। और ये प्रॉब्लम आती है या तो मशीन में कोई एक्सीडेंट हो जाए या हांडी जब हम उतारते हैं रिपेयर वपेयर करने के लिए तो ये झटके से टूट जाता है, सीजाई का होता है कास्ट आयरन का। इसके बाद हम जब इस मशीन को स्टार्ट करते हैं, इंजन लगाते हैं या इलेक्ट्रिक मोटर लगाते हैं तो इस पुली की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इंजन लगाते हैं तो इसे कपलिंग कहते हैं, इंजन कपलिंग या इंजन पुली, ये उसके अंदर कस जाएगा। आपने देखा होगा इंजन का व्हील जो होता है और इसमें कस के और फिर इस पुली के साथ अटैच होकर इसका वो चढ़ता है। या इलेक्ट्रिक मोटर लगाएंगे तो इस पुली को लगाना पड़ेगा, इसे मोटर पुली कहते हैं। ये 3 इंची का दो बेल्टों में होता है, यहाँ पे जितने बेल्ट की पुली लगती है उतनी बेल्ट की ये लगाते हैं। तो एक एक पार्ट्स की जानकारी दे दी मैंने आपको, बहुत ही सही से समझे होंगे आप, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे और मुझे उत्साहित होता हूँ, अच्छा लगता है और नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करता हूँ। और आपको किस मशीन पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए उसको पर्सनली मुझे बताएं और इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और अपने जानने वालों को जिसके जिसके पास कंक्रीट मिक्सर मशीन है उसको बताएं, उनको बहुत हेल्प मिलेगी और जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसमें हेल्प मिलेगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए नमस्कार, धन्यवाद।